अनुपम जी वेलकम बैक टू सूरत। थैंक यू। खमण खांडवी खांडवी पातोड़ी भी बोलते हैं इसको। दिस इज इदड़ा राइस पेस्ट एंड दिस इज ढोकला। टमाटा भजिया टमाटर के भजिए। दिस इज फ्राइड पात्रा दाल वड़ा बटाटा वड़ा एंड साबुदाना वड़ा। ये सारे सूरती स्नैक्स हैं और इनका अपना अपना, जैसे प्रतीक भाई ने बताया हमें कि कैटेगरीज होती है। जैसे ये है खमन, तो ये स्टीम्ड जो दाल होती है वाटी दाल, वो स्टीम्ड वाटी दाल को प्यूरी करके फर्मेंट करके फिर उसको स्टीम करते हैं एंड देन उसके ऊपर ये राई का छौंका लगाते हैं। सो दैट्स हाउ द खमन इज मेड। दिस इज़ वघारेला खमन विच मीन्स तड़के वाले खमन, छौंके वाले खमन। खमन का ही एक कज़िन है जिसका नाम है खमणी, कि ये बेसिकली चने की दाल से बनता है। इसके प्यूरी को क्या करते हैं, लहसुन के साथ और मिर्ची के साथ पूरी प्यूरी को चला चला के तेल के साथ पकाते हैं एंड दैट्स हाउ द डिस्टिंक्ट लहसुनी फ्लेवर कम्स इन। शक्कर भी है इसमें, जो मिठास आती है दैट इज़ ड्यू टू द चीनी, क्योंकि मिर्ची और लहसुन इतना पड़ता है तो इसको बैलेंस करना ज़रूरी हो जाता है। दिस इज़ मेड विद बेसन, इसको कहते हैं खांडवी या पातोड़ी। खांडवी में क्या होता है कि बेसन को पका कर पूरा लाइक पूरा पतला एक लेपा बनाकर उसको शीट कर देते एंड देन इट इज़ रोल्ड एंड उसके ऊपर अगेन द चौंका इज़ देयर। और इन सब चौंके में ओनली सिंग तेल का उपयोग होता है। सो एनी वन एंड एवरी वन हु नोज मूंगफली का तेल, वॉट एवर वी टॉक अबाउट सूरती फरसान, इट हैज़ टू बी इन मूंगफली का तेल। सूरत आए लोचो नहीं खाया तो कुछ नहीं हुआ, पूरा ट्रिप इनकम्प्लीट रह जाता है एकदम। सो ये जो खमन है ना सर, लोचो इज द स्टेप जीरो बिफोर खमन। लोचो मीन्स एक्सीडेंट। ये क्या है, मूंगफली का तेल? ये है मूंगफली का तेल, कच्चा तेल एंड द मसाला। खाने का ट्रेडिशनल तरीका हैव इट विद प्याज, प्याज और ये सेव भी, सेव भी आप डाल सकते हो। आई प्रेफर हैविंग इट विदाउट द सेव। उसका हल्का खटास मिठास चटपटा है। और ये जो है ना, दिस डिश सिग्निफाइज द सूरती स्पिरिट, बिकॉज मेकिंग एक्सीडेंट में से एक अपॉर्चुनिटी, दैट इज नो नॉर्मल फीट एंड दिस वो द नेम इटसेल्फ लोचो। लोचो मीन्स मिस्टेक, गड़बड़, लोचा हो गया, लोचा हो गया, लोचा हो गया। बहुत शानदार है, मतलब ऐसा थिक टेस्ट है और ये जो मूंगफली का तेल डाला है उससे अच्छा आपका अंदर चला जाता है आराम से। चलिए अब नेक्स्ट क्या खाया जाए। इदड़ा पे, इदड़ा इज मेड विथ राइस बैटर, राइस फ्लावर बैटर है ये। सेम इसको स्टीम किया जाता है, इसके अंदर भी अदरक पड़ता है, मिर्ची का पेस्ट पड़ता है। तो ये एक तो ढोकला है, एक खमन है, दो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, दो अलग चीज़ें हैं सर। पूरे इंडिया में जो ढोकला बोल के बेचते हैं वो असल में होता है खमन। खमन और खमन ढोकला इज नॉट अ थिंग। खमन ढोकला कुछ है ही नहीं, खमन है ढोकला है। खमन बनता है वाटी दाल से। अच्छा, खमन बनता है वाटी दाल से। ये इदड़ा है, इदड़ा, इदड़ा बनता है राइस से एंड देन ढोकला है विच इज मेड विद कॉर्न, कॉर्न का फ्लावर है उससे बनता है। मक्के के आटे से बनता है, मक्के के आटे से बनता है। सेम वे मतलब ढोकला खमन पाटुड़ी एंड इदड़ा ऑल फोर आर डिफरेंट, दे ऑल आर केकी, दे ऑल आर स्टीम्ड, एवरीथिंग एज सर प्रोसेस इज सेम, प्रोसेस इज सेम, इंग्रेडिएंट्स वेरी एंड दैट्स द इनोवेटिव स्पिरिट। एवरीथिंग हैज गॉट देयर ओन सिग्नेचर टेस्ट, डिस्टिंक्टिव फ्लेवर्स, एवरीथिंग। आप इसको ट्राई करिए, ये अलग लगेगा आपको।
ऊपर में क्या है? दैट्स मिर्ची एंड लहसुन. अच्छा, और ये अच्छा है, लाइट और हेल्दी भी है. यस, इट इज हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी. न्यूट्रिशियस बिकॉज एवरीथिंग इज बैलेंस्ड. विल स्टार्ट विद द टमाटा पूरी. ये जो हम डुमस में जो भजिया खाते हैं वही वर्जन है, टमाटा भजिया. टोमेटो स्लाइस के ऊपर देर इज अ तीखा चटनी विच इज टॉप एंड देन इट इज डिप्ड इनटू द बैटर. और फिर इसको इस कढ़ी के साथ, बेसन की कढ़ी होती है, इसके साथ खाया जाता है. तो भजिया बोले तो पकौड़ा है. पकौड़ा ये सीजनल बदलता रहता है, जिस सीजन में जो है उसके साथ बनाया. बट ये टिपिकल है टमाटर वाला. टमाटर वाला सिर्फ सूरत में मिलता है और कहीं मिलता ही नहीं है. सेम फॉर रतालू. रतालू सिर्फ डुमस में मिलता है. हम लोग साथ गए थे पिछली बार. यस, दिस इज दी क्या है, बटाटा वड़ा. अच्छा, सो इफ यू लुक एट बॉम्बे का बटाटा वड़ा और सूरती बटाटा वड़ा, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंस. इफ यू लुक एट द टेक्सचर, इसका आलू है थोड़ा ज्यादा मशी है. ये क्या है? ये चटनी है. इसके साथ जाती है? एनीथिंग इसके साथ भी जाएगी. यू हैव इट एनीथिंग. दिस इज द कॉमन, दिस इज द वेट वाला चटनी, दिस इज द ड्राई वाला चटनी. चलिए पहले ये वाला खाते हैं. आलू बटाटा वड़ा. बटाटा वड़ा गार्लिक का फ्लेवर एक्स्ट्रा. सब चीज का, स्पाइसेस का आपको अंदाज आएगा. थोड़ा थोड़ा पिंच मिलेगा. कोथमीर और गार्लिक और दाना, दाना का जो, और अक्का दाना, अक्का दाना धनिया का, अक्का दाना जो धनिया होता है ना, वो पूरा इसको, इसके टेस्ट को एनहेंस करता है. ये क्या है? ये दाल वड़ा. दाल वड़ा, ये दाल वड़ा. तो इट हैज गॉट बेसन इन इट विद मीठा एंड मीठा है, स्वीट ही रहेगा, बैलेंस द फ्लेवर. ये पतोड़े, ये अरबी के पत्तों का पूरा जो बनता है उसको डीप फ्राई करके ये बनाया हुआ है. तो वही है कि उसका पत्ता लगा के फिर बेसन लगाया, उसके बाद फिर इसको रोल करके फ्राई कर दिया. ऊपर में थोड़ा तेल भी लगा हुआ है. ये ऊपर में क्रीम है. दिस इज मेयोनेज. ये चीज, चीज, चीज सॉस. यस, इस पे बटर है, मेल्टेड बटर. वाओ, इनका सिग्नेचर डिश फुल ऑन गार्लिक की. तो ये आपका न्यू इनोवेशन है. हाँ जी, ये इनोवेशन है. सूरतीज वांट और क्या? लेकिन इसका बेस जो है ना फिर भी ट्रेडिशनल है. ये जो चटनी जो बनता है ना, ये चटनी जो है वो मैक्सिमम एग्स की जितनी डिशेज होती है ना सूरत के अंदर, वहाँ पे ही वो यूज होती है. मतलब द बेस इज गार्लिक लहसुन की चटनी. बस बस बस, काफ़ी है. आई थिंक वी आर डन. देयर आर लॉट ऑफ बस 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 पिज्जा कचोरी जो है, दिस इज पिज्जा लोचो. पिज्जा लोचो, पिज्जा लोचो है ये तो. सही में लोचा हो गया. हां हां, चीज, पिज्जा सॉस, विद वेजिटेबल्स ऑन इट. पक लेते हैं तो ऊपर का चीज थोड़ा मेल्ट हो जाएगा. दिस इज द करेक्ट टेंपरेचर टू हैव द लोचा. स्टीमिंग पाइपिंग हॉट, तब आता है स्वाद. गरम चीज जाके जब लगता है ना ऊपर, स्वाद भी बढ़िया, एकदम जायका आ जाता है आपको. दैट क्रंच ऑफ द वेजिटेबल्स, द क्रीमीनेस ऑफ द चीज. चलिए अब एक बार ये रह गया है, साबूदाना वड़ा. साबूदाना वड़ा, यस. ये फलाहार में भी खा सकते हैं, वैसा वाला है. ये फराल में ही खाते हैं मैक्सिमम, लेकिन हम लोग ने डिमांड बढ़ता गया तो हम लोग ने रेगुलरली स्टार्ट कर दिया. पीपल वॉन्टेड टू हैव दिस ऑल्सो ब्रेकफास्ट. अभी यही चीज़ नॉर्थ साइड आप खाओगे ना तो इसमें शक्कर नहीं रहे, ये ऐसा मीठा है. इसके अंदर में वही आलू, प्याज, मटर, मिर्ची. यस, इतना वाइड वैरायटी है. मज़ा आया. मतलब हमने क्लासिक भी ट्राई किया, जो न्यू एज लोचो है वो भी ट्राई किया, और ट्रेडिशनल स्नैक्स वो भी ट्राई किया. बहुत अच्छा लगा. लेकिन मुझे लगता है मेरा जो हाईलाइट रहा, मुझे ये बहुत पसंद आया. द ये बेस्ट है, ओजी, द ओजी, दिस इज ओजी पेटिस. हाँ, पेटिस. ये भी स्वीट रहेगा, लेकिन ये सूरती पेटिस है. ये टिपिकल सूरती डिश ही है जो नारियल के स्टफिंग से बना हुआ है. इसके अंदर नारियल स्टफ्ड है. हाँ जी, ये अगेन इनका सिग्नेचर डिश है. इसमें भी तिल डला हुआ है. हाँ जी सर. वाह, हर बाइट में क्रिस्पीनेस, स्वाद आए, टेक्सचर आए, फ्लेवर आए, वही पूरा है. मज़ा है यहाँ पर. मतलब मसाला हल्का है, हाँ, लाइट है, और टेक्सचर्स का बहुत वेरिएशन है. जी सर.
समथिंग फॉर एवरीवन. दिस इज द ट्रेडिशनल चना दाल प्याज का समोसा. यहाँ पे छोटे समोसे होते हैं, पट्टी समोसा. यहाँ पे इसको पटाखा बोलते हैं. पटाखा गर्मा गर्म पटाखा समोसा, चना दाल, प्याज, हल्का पुदीना. पिज्जा समोसा है ये. तो द फिलिंग इज पिज्जा वाला और ऊपर का कोटिंग पट्टी वाला है. रेयर चांसेस वेयर प्रतीक इज ईटिंग ऑन स्क्रीन. जो क्लासिक वाला है वो चने दाल का है. ये सब आपका क्रिएशन है. चलिए थैंक यू दिलीप भाई, बहुत मजा आया. वेलकम सर, प्लेजर टू सर्व यू एंड आई होप दैट नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू कम आई कैन सर्व यू अगेन एंड अगेन. थैंक यू रोहन भाई. मतलब लग रहा है पूरा सूरत का खाना एक ही जगह पे खा लिया है. अभी सर हम जानी पहचान पे सुबह का नाश्ता तो कर लिए, लेकिन वही खमंड को सूरती स्टाइल में एक नया अवतार दिया ये जगह ने. इस जगह का नाम है जय जलाराम खमंड, रस्सा वाला खमंड. सो अब हम ये खमंड का लंच वर्जन ट्राई करेंगे. वो ब्रेकफास्ट वर्जन था. हाँ वो ब्रेकफास्ट वर्जन था, ये लंच वर्जन है. तो लेट्स ट्राई दैट. तो सबसे पहले फारूक भाई, रस्सा वाला खमंड बनाने के लिए खमंड को क्रश करके चूरा बना के वो डालते हैं, फिर कचुम्बर सलाद डालते हैं, फिर खमंड डालते हैं, फिर सेव डालते हैं और फिर कड़ी डालते हैं. वो तैयार हो जाता है रस वाला खमंड. यू हैव टू टेक द रस्सा अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले एंड द चूरा ऑफ खमंड एंड सेव ऑल इन द सेम स्पून. मैं तो पूरा एक तरह से ना फ्लैशबैक आ रहा है. जो 3 साल पहले मैं सूरत आया था तो इस जगह पे भी मैं आया था. यहाँ पे खमन खाया था, कृषा खमन. साथ में लस्सी पिया था उनके. लस्सी कोको कोको नहीं ट्राई किया? कोको भी आपके साथ ट्राई किया था. हाँ तो कोको भी एवन एवन कोको एवन का कोको ट्राई किया. इसका भी आप कोको ट्राई करिए. बेहतरीन. हैव दिस सर. आई हैव बीन कमिंग टू दिस स्पॉट फॉर 20-25 इयर्स. सेम स्वाद. ये खट्टा करी है. हाँ खट्टा सिनेमन का और दालचीनी का, दालचीनी और क्लोव लौंग, उसका आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मिलेगा. थोड़ा सा और रस्सा डलवा दे. अनलिमिटेड रस्सा. पूरा लोग पेट भर लेता है एक दोना में. अनु बहुत जगह पे समोसा और कड़ी खाते हैं. कड़ी कचौड़ी चलती है. तो वही यहाँ पे खमन और कड़ी. खमन और कड़ी रस्सा. रस्सा इज द लव्ड टर्म दैट दे हैव गिवन, बट एसेंशियली दिस इज अ स्पाइसी कड़ी. मजा आ भी गई. थैंक यू सर. याद है आपको? हाँ है, याद है. हमारा मेमोरी बहुत पावर है. आपने उल्टा करके लस्सी भी दिखा दिया. तो गिरता, इतना गाढ़ा गिरता नहीं. अभी भी वही है. अभी भी वही है. अभी बढ़िया पियो. कोल्ड कोको भी, वो भी बहुत बढ़िया है. वो आइटम भी आपने कोल्ड कोको यहाँ का ट्राई नहीं किया ना? वो तो एक लस्सी और एक कोल्ड कोको बनने करूँगा. चलिए अच्छा है. नेशनल ड्रिंक ऑफ सूरत. कोको सूरत कोल्ड कोको कहीं पे नहीं मिलेगा. वो ये रो सही बोला है. नेशनल ड्रिंक ऑफ सूरत कोको. नेशनल चॉकलेट ड्रिंक. आइसक्रीम है, चॉकलेट चिप्स है, काजू है, कोको है, आइसक्रीम वैनिला है. पहले थोड़ा पीते हैं, खा के पियो. पी के खाओ आपकी इच्छा. ये तो कोल्ड चॉकलेट. हॉट चॉकलेट या कोल्ड चॉकलेट? एकदम कड़ा है. ठीक. खा के पियो या पी के खाओ. स्टाइल हो गया ना. पसंद आए तो सबको कहना, ना पसंद आए तो हमको कहना. अच्छा लगे तो सबको बोलो, नहीं अच्छा लगे तो हमको बोलो. पता ही नहीं बनाएंगे हम.
ये लस्सी है, लस्सी। ये आइसक्रीम किसका है? रोज आइसक्रीम। रोज आइसक्रीम और ये सिरप जो डाला है ऊपर, रोज फ्लेवर, रोज सिरप और फिर काजू बादाम और मलाई। इसका कॉम्बिनेशन जो है ना, आप एक गिलास पी लो, शाम तक कुछ मांगोगे भी नहीं। मैं फिर मेरे को शाम में वॉक पे जाना है, मैं अगर ये इतना पी लूंगा तो एक दो सिप ले लेते हैं। दही का जो क्वालिटी है ना, वही पूरा खेला है। दही खुद बनाते हैं और जमता है सही से, जबरदस्त लग रहा है। लस्सी क्रीम पी है ना, मैंगो फ्लेवर है, मैंगो लस्सी, ऊपर से मैंगो आइसक्रीम है और फिर ड्राई फ्रूट्स है। ये तो ऐसे ग्रीक योगर्ट होता है ना, है वैसा वाला है, फ्लेवर्ड योगर्ट खा रहे हैं। क्या लस्सी है अभी। मैंगो लीजिए ना, आपका फेवरेट मैंगो कौन सा है? मेरा, मैं खाता हूँ लंगड़ा, लंगड़ा मालदा और उसके यहाँ पे दशहरी भी है जो अपना दिल्ली में सूरत में नहीं मिलती है। हमें मिलती है हापुस, वो तो किंग ऑफ मैंगो, साड़ी हापुस और रत्नागिरी हापुस, और दूसरी यहाँ पे एक खास है केसर, केसर गिर केसर। चलिए मजा आएगी, ठीक है, थैंक यू। मनीष भाई की एक वीडियो आई थी सोशल मीडिया पे और बहुत ही वायरल हुई और काफ़ी लोगों ने उसको सराहा भी और काफ़ी लोगों ने उसके बारे में उल्टा पुल्टा भी कहा। मनीष भाई बहुत ही नाराज हैं और ये सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे, ये हमें जानना चाहिए। मतलब किस तरह से आप उसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करते हैं, कॉन्टेंट बनाते हैं, और अब कहते नहीं हैं जब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबल कॉन्टेंट क्रिएटर की कि किस तरह से आप सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं, ना ही किसी के धंधे को ख़राब कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि सिर्फ कॉन्टेंट को कॉन्टेंट यूज़ के नज़रिए से ना देखें, किसी के धंधे के नज़रिए से भी देखें। और हम लोग यहाँ पे शूट करने के लिए आए थे, इतने नाराज़ हैं ये बाकी जो क्रिएटर्स यहाँ पे आके गए हैं और पता नहीं ये कह रहे हैं कि लोगों ने गालियाँ भी लिखी हैं ऑनलाइन और उससे इनके बिज़नेस को इम्पैक्ट पड़ा है। तो मतलब मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वाइश है सभी कॉन्टेंट क्रिएटर से कि प्लीज़ बी अ रिस्पॉन्सिबल कॉन्टेंट क्रिएटर। ठीक भाई, हमें शादी चाय पिलाइए। 32 साल से ये काम कर रहे हैं, 32 साल हो गए, लेकिन इतनी नाराज़गी इनको किसी भी से नहीं हुई जितनी पीछे दिल्ली के कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ने आके आने पीने में। सूरत वाले कभी किसी को ना नहीं बोलते, इतना समझ लेना, पैसे भी नहीं मांगेंगे, लेकिन जो उतार गए फिर उसमें मेरे कुछ तो मेरे पास पैसे नहीं मांगा, तो तुमने वो जो डाउनलोड करके जो बोला वो ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। जी उतरने ना बोलने नहीं कि भाई नहीं आ रहा नहीं करने का, मैं कह तुमको सामने से बुलाने नहीं आ रहा भाई, तुम मेरे पास आओ मैं ये करो। मतलब मैं सिर्फ, आप समझ लीजिए, इनके यहाँ चाय पीने आया हूँ और सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। और हम सबका ये एक एम होना चाहिए कि अपने जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी मदद करें। मतलब वी शुड स्टैंड विद स्ट्रीट फूड वेंडर्स, ना कि कंटेंट सिर्फ बनाएं कि वायरल हो। सपोर्ट देम, थैंक यू। चलिए थैंक यू। चलिए थैंक यू रोहन भाई। थैंक यू सर, हमें छोटा सा सूरत का फूड टूर कराने के लिए। माय प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर टू सी यू सर। चलिए।